नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज बात करते हैं पेस्ट मेकिंग के बारे में। जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो पर डे 8 से 10 कट्टों की ही पेस्टिंग करते हैं, जिनके पास ऑटोमेटिक मिक्सर नहीं होता टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, तो उनको पेस्ट बनाते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं आज। और एक ज़रूरी बात मेरे उन 60% ऑडियंस के लिए जो मेरे चैनल पर आते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कीजिए, तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और बेटर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये 25 किलो का मिक्सर है, इसके अंदर हमने जो एक बैग है ग्रे ऑक्साइड का, ये हमने डाल दिया है। हम निगेटिव पेस्ट बना रहे हैं। इसको डालने के बाद में हल्का सा मिक्सर को चलाएंगे। इसके बाद में हमारे पास जो भी एक्सपेंडर हैं, जिस क्वांटिटी में हमने वेट किया हुआ है, वो सारे एक्सपेंडर डालकर कम से कम 2 से 3 मिनट तक रन जरूर करें। ड्राई रन 2 से 3 मिनट का ज़रूरी होता है ब्लेंडिंग के लिए। आपस में ग्रे ऑक्साइड और जो एक्सपेंडर हम डालते हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। तो इसको जब हम 2-3 मिनट चला लेते हैं, इसके बाद में हमने पानी ऐड करना है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पानी मेजरिंग फ्लास्क से ना नाप कर डालें, अंदाजे से नहीं। एक मग्गा भरा डाल दिया, 2 मग्गे भरे डाल दिया, तो इससे क्या होगा, आपकी जब सर्टेन क्वांटिटी रहेगी पानी की, तो आपको जो पेस्ट का स्ट्रक्चर है ना एक जैसा मिलेगा हर पैच का। तो पानी डालने के बाद में भी आपने कम से कम 3-4 मिनट तक आपने इसको वेट पेस्टिंग में रनिंग करना है पानी के साथ में। तो जब ये 3-4 मिनट रन हो जाए, अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, इसके बाद में आपने एसिड ऐड करना है। आप जितना एसिड ऐड कर रहे हैं वो ऐड करना है। और एसिड एडिशन का जो तरीका है दोस्तों, वो ये लोग बात कहते हैं कि 15 से 20 मिनट में डालना चाहिए, 25 मिनट में डालना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका एसिड ड्रेन के टाइम पे जो टेम्परेचर है पेस्ट का, वो कोशिश करें कम से कम 10 मिनट 50 और 60 के बीच में रहे, क्योंकि जो हमारे बेसिक सल्फेट्स जो बनते हैं, क्रिस्टल जो बनते हैं, वो इसी टेम्परेचर के दौरान बनते हैं। अगर हमारे टेम्परेचर नहीं आएगा तो जो प्रॉपर्टी है ना पेस्ट की, वो चेंज हो जाएगी। आपको उतने सल्फेट्स, उतने बेसिक क्रिस्टल्स, जो सल्फेट क्रिस्टल्स क्रिएट होते हैं पेस्ट मेकिंग के दौरान, वो नहीं मिल पाएंगे। तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि कम से कम 50 और 60 के बीच में टेम्परेचर रहना चाहिए एसिड ड्रेनिंग के दौरान। ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है एसिड ड्रेन का। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत स्लो स्पीड में एसिड डालते हैं, और ऐसे जैसे ही एसिड ड्रेन शुरू होता है वैसे ही ब्लोअर चला देते हैं, तो सर्दियों में उनको दिक्कत आती है और टेम्परेचर हाइक नहीं हो पाता, तो उनको पेस्ट में वो स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा क्रिस्टल्स का जो मिलना चाहिए। तो ध्यान रखें इस चीज़ का, इम्पोर्टेंट है टेम्परेचर को मेंटेन रखना। और अगर आपके पास इंफ्रारेड गन नहीं है, टेम्परेचर चेक करने का कोई प्रोसीजर नहीं है, तो आप एक बार हाथ से मसाले को टच करके देख सकते हैं, जब आपका टेम्परेचर हाइक होना शुरू हो उसके बाद आप ब्लोअर चलाएं। तो बैटरी लाइन में हर स्टेज पर जिसे टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया, तो ये मान के चलिए उसने अपनी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया। तो जब आप ब्लोअर चलाते हैं तब भी ध्यान रखें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन ना जाए और बहुत ज़्यादा बढ़े भी ना। दोनों कंडीशन ख़राब होती हैं पेस्ट मेकिंग की, क्योंकि कम टेम्परेचर में भी और ज़्यादा टेम्परेचर में भी पेस्ट की जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, वो चेंज हो जाती है। जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, पेस्ट बन जाता है, ड्रेन हो जाता है पूरा एसिड, इसके बाद में अपने पेस्ट को निकालना है। और निकालते टाइम भी टेम्परेचर का ध्यान रखना है। जो निकालते हैं पेस्ट उस टाइम पे टेम्परेचर जो है 45 के आसपास रहना चाहिए, क्योंकि पेस्टिंग में भी टाइम लगता है। और एक बार पेस्ट जब निकल जाए, तो इसको निकालने से पहले ही, बल्कि इसको ना एक बार थोड़ी सी क्वांटिटी पेस्ट की हाथ में लेकर एक बार प्रेस करके देखना चाहिए। इसमें जब हम दबाते हैं तो एक ना फ्रिक्शन हमारे को फील होता है, एक दबाव फील होता है, तो इसको पेस्ट क्रंच बोलते हैं। तो पेस्ट में आपका जितना क्रंच ज़्यादा होगा,
उतना ही बेहतरीन पकड़ रहेगी आपके पेस्ट की ग्रिड के ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो पेस्ट मेकिंग के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर जो जानकारी मैंने दी है वो कैसी लगी आपको, उससे कुछ आपको लाभ हुआ या नहीं हुआ। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।